नमस्कार दोस्तों और टाइम ट्रैवल के शौकीनों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम समय यात्रा के आकर्षक क्षेत्र में गहराई से उतरने वाले हैं, जैसे कि हम विभिन्न सिद्धांतों का पता लगाते हैं, अवधारणा की बिहेवियर पर चर्चा करते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोकप्रिय काल्पनिक सिनेरियोस पर भी चर्चा करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार कर रहे हैं जिसने सदियों से मानवता को आकर्षित किया है, वो है समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल। पास्ट से लेकर बैक टू द फ्यूचर तक हमारे वर्तमान की सीमाओं से परे विचार ने अनगिनत कहानियों और वैज्ञानिक जांचों को बढ़ावा दिया है। लेकिन क्या समय यात्रा सिर्फ एक काल्पनिक धारणा है या क्या यह वास्तव में हमारी समझ में आ सकती है? इससे पहले कि हम टाइम की गहराई में उतरें, समय संबंधित सभी चीजों पर अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन घंटी बजाना न भूलें। आइए शुरू करते हैं। टाइम में कूदने से पहले आइए कुछ बुनियादी नियम के प्रिंसिपल को निर्धारित कर लेते हैं। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष के धागों से बुने हुए एक लचीले कपड़े के रूप में समय की हमारी समझ की नींव रखी। इससे समय को मोड़ने और संभावित रूप से उसका पता लगाने की आकर्षक संभावनाएं खुल जाती हैं। थ्योरेटिकल फिजिक्स की दुनिया में कई प्रमुख सिद्धांत समय यात्रा की संभावना को संबोधित करते हैं। आइंस्टीन के सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत एक आधारशिला है जो बताता है कि समय सापेक्ष है और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स पैरेलल यूनिवर्सेस की अवधारणा और उनके भीतर टाइम ट्रैवल की क्षमता का परिचय देती है। जैसे ही हम इन सिद्धांतों का पता लगाते हैं, हमें और भी जानकारी मिलती जाती है। याद रखें कि वैज्ञानिक टीम अभी भी समय के रहस्यों को जानने के लिए काम कर रहा है। टाइम ट्रैवल की एक और महत्वपूर्ण कड़ी है जो अंतरिक्ष और समय की हमारी समझ को अस्वीकार करती है, वो है ब्लैक होल, जो बड़े सितारों के गुरुत्वाकर्षण पतन से पैदा होते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना तीव्र है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है। ये एक अदृश्य सीमा का निर्माण करता है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस बिंदु से परे भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, ये एक ही पल में टूट जाते हैं। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है, जो अनंत घनत्व का एक बिंदु, जहां भौतिकी के सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं। ब्लैक होल विभिन्न आकारों में आते हैं, जैसे स्टेलर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल से लेकर हमारी आकाशगंगा सहित आकाशगंगाओं के केंद्रों में पाए जाने वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल तक। जबकि ब्लैक होल मायावी लगते हैं, वैज्ञानिक पास की वस्तुओं पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देखकर उनकी उपस्थिति का पता लगाते हैं। अपनी रहस्यमय प्रकृति के बावजूद ब्लैक होल ब्रह्मांड की संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन ब्रह्मांडीय रहस्यों की चल रही खोज न केवल ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को गहरा करती है, बल्कि अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण की मौलिक प्रकृति के बारे में नए प्रश्न भी उठाती है। टाइम ट्रैवल को जानने से पहले हमें वर्महोल के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। आइए थियोरेटिकल फिजिक्स के काल्पनिक क्षेत्रों के माध्यम से एक यात्रा शुरू करें, क्योंकि हम वर्महोल की अवधारणा का पता लगाने वाले हैं। स्पेस टाइम में काल्पनिक शॉर्टकट जो वैज्ञानिकों और विज्ञान कथा उत्साही लोगों की कल्पना को समान रूप से जोड़ते हैं। 1935 में आइंस्टीन और रोसेन द्वारा प्रस्तावित और बाद में किप थॉर्न द्वारा लोकप्रिय हुआ। दरअसल वर्महोल स्पेस टाइम में दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ने वाली सैद्धांतिक सुरंगें हैं। एक वर्महोल की कल्पना एक सुरंग के रूप में करें, जिसके दो सिरे हों, प्रत्येक स्थान या समय में अलग अलग बिंदुओं पर स्थित हों। ये ब्रह्मांडीय पुल संभावित रूप से प्रकाश से भी तेज यात्रा की अनुमति दे सकते हैं और विशाल ब्रह्मांडीय दूरियों के पार शॉर्टकट प्रदान कर सकते हैं। वर्महोल, जिन्हें अक्सर विज्ञान कथाओं में दर्शाया जाता है, एक अन्य दावेदार है जो स्पेस टाइम के माध्यम से संभावित शॉर्टकट के रूप में काम कर रहे हैं। आकर्षक होते हुए भी वर्महोल पूरी तरह से थियोरेटिकल निर्माण बने हुए हैं और उनके अस्तित्व के लिए गुरुत्वाकर्षण पतन के खिलाफ उन्हें स्थिर करने के लिए नकारात्मक ऊर्जा घनत्व वाले पदार्थ के रूपों की आवश्यकता होती है। वर्महोल के अध्ययन में जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के जटिल समीकरणों को नेविगेट करना शामिल है, जो ब्रह्मांड की संरचना के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। अटकलें होने के बावजूद वर्महोल की अवधारणा भौतिकी की सीमाओं और पारंपरिक अंतरिक्ष यात्रा की बाधाओं से परे इंटरस्टेलर यात्रा की संभावना की खोज के लिए एक आकर्षक अवसर के रूप में कार्य करती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, वर्महोल का संभावित अस्तित्व और गुण वैज्ञानिक जांच को दिलचस्प और प्रेरित करते रहते हैं। ये थियोरेटिकल सुरंगें आपको विशाल दूरियों को पार करने या यहाँ तक कि समय के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति दे सकती है, लेकिन उन्हें नेविगेट करना ब्लैक होल में सुई में धागा डालने जैसा हो सकता है। अब आइए सबसे प्रसिद्ध टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स में से एक, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स से निपटें। कल्पना कीजिए कि आप समय में पीछे यात्रा करते हैं और गलती से अपने दादा दादी को मिलने से रोकते हैं। यदि वे कभी नहीं मिलते हैं तो आपके माता पिता का जन्म नहीं होगा, जिससे आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हालांकि यदि आप कभी पैदा ही नहीं हुए थे तो आप समय में पीछे जाकर हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के साथ समय यात्रा के मन मस्तिष्क क्षेत्र में प्रवेश करें। एक मनोरम विचार प्रयोग जो टाइम की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्न उठाता है। यह विरोधाभास समय यात्रा सिनारियोस की निरंतरता को चुनौती देता है और संभावित तार्किक विरोधाभासों को उजागर करता है। विभिन्न सिद्धांत दादाजी विरोधाभास को हल करने का प्रयास करते हैं, जिसमें शाखाओं में बटी टाइमलाइन या पैरेलल यूनिवर्स का विचार भी शामिल है। इन परिकल्पनाओं के अनुसार अतीत में घटनाओं को बदलने से आपका अस्तित्व नहीं मिट सकता है, लेकिन एक वैकल्पिक समय रेखा का निर्माण हो सकता है जहां वास्तविकता का एक अलग संस्करण सामने आता है। जबकि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स भौतिकविदों, दार्शनिकों
और साईफाई उत्साही लोगों के बीच आकर्षक चर्चा को प्रेरित करता है। इसका समाधान स्पेकुलेशन बना हुआ है। ऐसे विरोधाभासों की खोज न केवल समय यात्रा के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करती है, बल्कि ब्रह्मांड की संरचना में कॉजेशन की जटिलताओं को भी रेखांकित करती है। यह विरोधाभास समय यात्रा की सुसंगतता के बारे में सवाल उठाता है। वैज्ञानिक और दार्शनिक अभी भी संभावित समाधानों से जूझ रहे हैं, जैसे कि यह विचार कि विरोधाभासों से बचने के लिए वैकल्पिक समय रेखाएं अलग हो सकती हैं। टाइम ट्रैवल ज्यादातर सैद्धांतिक बनी हुई है, कुछ वास्तविक दुनिया की अवधारणाएं इसकी सूक्ष्म संभावनाओं को प्रदर्शित करती हैं। समय का फैलाव आइंस्टीन के सिद्धांत का एक सिद्ध प्रभाव तब होता है जब किसी वस्तु की गति या किसी विशाल पिंड से निकटता उसके समय के अनुभव को बदल देती है। उदाहरण के लिए जीपीएस उपग्रह पृथ्वी की सतह पर उनके ऑर्बिटल वेलोसिटी के कारण समय की तुलना में थोड़ा अलग दर पर समय का अनुभव करती है। हालांकि ये प्रभाव छोटे हैं, लेकिन वे दर्शाते हैं कि समय उतना निश्चित नहीं है जितना हमारे रोजमर्रा के अनुभव सुलझा सकते हैं। समय यात्रा ने दशकों से कहानीकारों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित फिल्में, किताबें और टीवी शो सामने आए हैं। बैक टू द फ्यूचर जैसे क्लासिक्स से लेकर इंटरस्टेलर जैसी दिमाग चकरा देने वाली कहानियों तक लोकप्रिय कल्चर ने कई तरह की खोज की है। समय यात्रा के पहलू व्यापक दर्शकों के लिए टाइम लूप और वैकल्पिक समय रेखा जैसी अवधारणाओं को पेश करते हैं। ये कल्पनाशील चित्रण अक्सर समय यात्रा के आसपास चल रहे वैज्ञानिक प्रवचन को प्रेरित और प्रभावित करते हैं। टाइम एक्सटेंड वास्तव में समय यात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी यह काफी दिमाग झुकाने वाला है। रिलेटिविटी के अनुसार तेज गति से चलने वाली या मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करने वाली वस्तुओं के लिए समय वास्तव में धीमा चलता है। इसलिए एक लंबे अंतरिक्ष मिशन पर गया एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट सकता है और यह पता लगा सकता है कि घर वापस आए लोगों के लिए कई साल बीत चुके हैं। समय विस्तार की दिमाग झुकाने वाली अवधारणा में गहराई से उतरे एक थियोरेटिकल इन्वेस्टिगेशन जो अस्थाई डायमेंशन की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देता है। जबकि समय यात्रा में अक्सर अतीत या भविष्य की यात्रा शामिल होती है, टाइम एक्सटेंड का विचार समय को खींचने या कंप्रेस करने की कल्पना करता है। थियोरेटिकल फिजिक्स में समय फैलाव आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत का एक सिद्ध प्रभाव समय की एक झलक प्रदान करता है। जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है या मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का अनुभव करती है, तो उस वस्तु के लिए समय एक अलग संदर्भ फ्रेम में एक ऑब्जर्वर के सापेक्ष धीमा होता प्रतीत होता है। जैसा कि उनके ऑर्बिटल वेलोसिटी के कारण उपग्रह घड़ियों के लिए आवश्यक सिंक्रोनाइजेशन समायोजन से प्रमाणित होता है। हालांकि समय विस्तार की धारणा इन सापेक्ष प्रभावों से परे फैली हुई है। यह ऐसे सिनेरियोस की कल्पना करता है जहां समय को जानबूझकर हेरफेर किया जा सकता है, जिससे विशिष्ट क्षेत्रों में या विशिष्ट व्यक्तियों के लिए विस्तारित अवधि की अनुमति मिलती है। अटकलों के दायरे में मजबूती से निहित होने के बावजूद समय विस्तार की खोज समय की प्रकृति और इसके संभावित लचीलेपन पर विचार करने के लिए एक आकर्षक अवसर प्रदान करती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना जारी रखते हैं, समय विस्तार की अवधारणा हमें लौकिक वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी मौलिक धारणाओं पर पुनर्विचार करने के लिए चुनौती देती है। विज्ञान तो आश्चर्यजनक है, स्पेस टाइम में हेरफेर करने के लिए आवश्यक ऊर्जा हमारी वर्तमान क्षमताओं से परे हो सकती है। फिर पैराडॉक्स की समस्या है, अतीत को बदलने से वर्तमान के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जिससे कॉजेशन का एक गंदा जाल तैयार हो सकता है। कई चुनौतियों के बावजूद इन्वेस्टिगेशन की मानवीय भावना की कोई सीमा नहीं है। स्पेस टाइम में हेरफेर करने पर शोध जारी है। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट क्वांटम ग्रेविटी और स्ट्रिंग थ्योरी जैसी संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। कौन जानता है कि शायद एक दिन हम कोड को क्रैक कर लेंगे और समय यात्रा के रहस्यों को खोल देंगे। लेकिन भले ही हमने पास्ट या फ्यूचर में कभी कदम नहीं रखा, लेकिन ये समय यात्रा की खोज विज्ञान और कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। ये हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर सवाल उठाने और समय की प्रकृति से जूझने के लिए मजबूर करता है। और ईमानदारी से कहूं तो ये बहुत ही रोमांचक है। याद रखें कि यद्यपि यह अवधारणा काफी हद तक थियोरेटिकल बनी हुई है, फिर भी यह मानव कल्पना को मोहित करती रहती है। सिद्धांत, विरोधाभास और नैतिक विचार इन्वेस्टिगेशन और बहस के लिए एक समृद्ध सिनारियो प्रदान करते हैं। समय यात्रा पर आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय शेयर करें। क्या समय यात्रा महज एक काल्पनिक सपना है या भविष्य में होने वाली वास्तविकता है? आइए नीचे कमेंट में इस पर चर्चा करें और विज्ञान और उससे आगे के और अधिक दिमाग हैरान करने वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए बने रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना न भूलें। अगली वीडियो तक उत्सुक बने रहें और खुश रहें।